अभी जस्ट जो है मैं लंच का, बाकी मैंने पीछे की साइड में भी लगाया ही, और भी पड़ेगा ये। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की जो ब्लॉग है, ये जो ब्लॉग है आप बहुत ही लेट में पोस्ट कर रही हूँ, इसीलिए सबको मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही लेट पोस्ट कर रही हूँ मैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, और मैं थोड़ा सा जो है आज मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो नाश्ते में आज जो है बहुत ही सिंपल सा अभी नाश्ता बना रही हूँ। ये जो नाश्ता है बहुत इजी है। तो इसमें मैंने पहले तेल ऐड किया है, तेल के बाद मैंने राई ऐड करा है, उसके बाद मैंने कांदा ऐड किया, और उसी के बाद जो है चना दाल और उड़द दाल डाल जो है एक एक चम्मच जो है ऐड करना था मेरे को, पर मेरे को ध्यान नहीं था, तो इसलिए मैंने आलू जो है ऐड कर दिया था। तो सिंपल आपको जो करना है राई और इसके साथ उड़द दाल और चना दाल, उसके साथ कांदा, ये सब ऐड करके उसको अच्छे से फ्राई करना। और ये सभी को जो है अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद आप जो है आपका सूखी मसाला जैसे कि हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये सब ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को चटपटा बनाऊँगी, और हेल्दी, ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपके पास सिंगदाना भी है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं बस सिंपल बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, जितना मेरे को चाहिए उतना बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सूजी होता है, एक रब्बा होता है, तो मैं यहाँ पे रब्बा जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो सूखी मसाला में यहाँ पर हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर, और मेरे पास मैगी मसाला है। जो मैगी मसाला को मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, थोड़ा सा ही गरम मसाला उसके बाद ऐड करूँगी। जैसे कि मैगी मसाला है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, तो मैगी मसाला ही मैं ऐड कर रही हूँ, और गरम मसाला इतना की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं कम ही ऐड कर रही हूँ। और आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप कोई सब्ज़ी मसाला, नहीं तो गरम मसाला ही ऐड कर दीजिए, अच्छा लगता है। और बाकी मेरे पास कड़ी पत्ता था, और उसके साथ साथ मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्ची मेरी छोटी है और इतना स्पाइसी मैं अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च जो है एक ही हरी मिर्च डाली हूँ। तो जैसे सब्ज़ी में मैं कुछ भी ऐसा चटपटा सा बनाती हूँ, तो अमित को ज़्यादा पसंद है कि मैं हरी मिर्च ऐड करूँ, उनको अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ही एक ही डाला है। और बाकी मैंने एक ही टमाटर ऐड किया है यहाँ पर, और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने जो ये इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। थोड़ा सा टमाटर अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद जो है हम पानी ऐड करेंगे आलू को अच्छे से उबल, मतलब आलू को अच्छे से बॉईल करने के लिए। और अच्छे से आलू बन जाएगा ना, मतलब हल्का आधे से ज़्यादा बन जाएगा, तो हम उसके बाद रब्बा को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आलू देखिए थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो थोड़ा सा जब हो जाएगा उसके बाद मैं जो है पानी ऐड कर दूँगी। और जैसे कि मैं बना रही हूँ एक, मतलब ऐसे ही चटपट से बना रही हूँ, आपके पास कोई भी गिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और मेरे पास जैसे कि मसाला पीसी हुई था मेरे पास ऑलरेडी, तो मतलब अदरक लहसुन और धनिया का एक पेस्ट बनाकर थोड़ा सा नींबू डालकर मैं रख देती हूँ स्टोर करके फ्रीज में। तो आप भी ऐसे रख सकते हैं, तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए, बस इसको ऐड कर देना है। और नहीं भी है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, पर हाँ आपको टेस्ट की, मतलब टेस्ट को बढ़ाना है तो ये आप ऐड करना ज़रूरी है। बस इसको मैंने ऐड करा है, कम से कम 8 से 10 मिनट आपको मिडल फ्लेम में रखकर बॉईल कर देना है बस सिंपल। उसके बाद आपके आलू जो है बॉईल हो जाएगी, और आपको उसके बाद रब्बा जो है कच्चा ही रब्बा, मतलब हम जो उपमा बनाते हैं ना, हमें हमेशा उपमा को, सॉरी सूजी को जो है ना गर्म करना पड़ता है, उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करते हैं, उसके बाद डालते हैं। पर यहाँ पे आप कच्चा ऐड कर सकते हो, ये रब्बा जो पतली पतली वाली होती है ना सूजी जैसी, तो उसको आप सिंपल ऐसे ही डाल सकते हो, और डाल के आपको अच्छे से मिलाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया 2 कप सूजी में, सॉरी 2 कप रब्बा में मैंने डाला है एक ग्लास पानी, ठीक है, करीब वही 2 कप के आसपास पानी डाला है। तो अब उसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि पानी थोड़ा सा उबलने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ज़्यादा लेने के बाद आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो पानी भी सूख जाएगी। और मेरे को थोड़ा सा नमक में कम लग रहा था क्वांटिटी के हिसाब से, तो मैंने बाद में ऐड करा है। और यहाँ पे जो है ना रब्बा को अच्छे से दबा दबा कर अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि रब्बा जो है कच्चा ना रह जाए।
तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसको फ्राई करा है, जब तक ये हो जाए तब तक। और ये ना रब्बा जो होती है इस तरह से बना दो ना, बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही टेस्ट लगता है। क्योंकि ये वाला रेसिपी मैंने उपमा की तरह बनाया था, जैसे सूजी में बनाते हो वैसे बनाया था, वो वाली रेसिपी भी बहुत ही पसंद आती है, घर में सबको अच्छा लगता है। स्पेशली अमित भी बहुत बार बोले कि वो वाली रेसिपी शेयर कर, और वो वाला रेसिपी मैं शेयर करूँगी, उसमें भी कुछ अलग सी मैं डालती हूँ, वो भी शेयर करूँगी, उनको ज़्यादा पसंद है, घर में सबको पसंद आता है। पर ये वाली रेसिपी भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, खास करके ये रेसिपी बहुत ही अच्छा है, हेल्दी ये रेसिपी। और बस भेज में मेयोनीज डाला है यहाँ पर, और टमाटो केचप डालकर मैंने जो है नाश्ता बना लिया है। अभी जो है ना मॉर्निंग के टाइम हुआ है, नाश्ता जस्ट हमने कंप्लीट किया है, खुशी को मैंने कुछ वर्क करने के लिए दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे सामान खुला पड़ा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट होने वाला है, पर अमित मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प किया, तो बेड का जो साफ़ सफाई वो उन्होंने हेल्प किया तो हो गया। ऊपर का मैंने पूरा कंप्लीट किया, अच्छे से साफ़ करके अच्छे से धोया ऊपर का। उसके बाद जो है कंप्लीट होने के बाद मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग बना लेती हूँ, मतलब ब्लॉग शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने मेथी का जो है डाला था, आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया है, मेथी का जो है ना मैंने मतलब मेथी डाला था, मेथी दाना। तो यहाँ पर सिंपल मैंने मिट्टी में ही डाला था, ये बहुत ही अच्छे से आ गया है। और जैसे कि इस साइड में मेरा धूप कम है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद उसको उस तरफ लेना है, मेरे बेडरूम की तरफ। ये किचन के साइड में कम धूप आता है, फिर भी छोटे छोटे हुआ है। बाकी साफ़ सफाई के लिए मैंने सब साइड करके रखा है। और अभी दोपहर का जैसे टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ और कुछ डेकोरेशन तैयार कर रही हूँ। इनसे मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई थी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सभी अपना अपना जो है दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मैं जो घर का काम है साफ सफाई करना है वो सब में थोड़ा सा बिजी थी। और जो है मैंने जो है यहाँ पे पूरा जो हमारा बेड है ना, मेरा ये बेड, तो ये बेड का मेरा जो है यहाँ पर बेड का बॉक्स वाला है, तो ये छुट्टी के दिन अमित ने थोड़ा बहुत हेल्प किया था, मतलब पूरा साफ सफाई जो है उन्होंने हेल्प किया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गई थी। एक्चुअली उन्होंने ही हेल्प किया और पूरा साफ सफाई में वो बिजी थे और मैं उधर की काम कर रही थी, और बाकी मेरे को जो भी बाकी था सब साफ सफाई करने का वो किया। और एक टेम्पल भी बनाई थी जिसका मैंने कलर भी किया, और इसका जो है मैंने अभी ऑलरेडी इसको यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे आप, ये जो है ना यहाँ पर मैंने लगाकर ऑलरेडी इसको लाइट फिटिंग करवा दिया है, जिससे ये बहुत। और बाकी मैंने पीछे की साइड में भी लगाया है यहाँ पर, ये जो है लीचू लाइट, इसमें मैंने फिट करवाया है, फिट करके पूरा जो है घर पे इस तरह से लगा दिया है। और टेम्पल को भी मैंने यहाँ पर किया है, और बाकी दिवाली के दिन इसको मैंने सोचा है बाहर की तरफ लगाऊंगी इसलिए। और घर की बाकी मैंने और कुछ डेकोरेशन अभी तक तो नहीं किया है, ये वाला तो मैंने बनाया था ऑलरेडी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी है। और दूसरा मैंने लाइट भी नहीं खरीदा है अभी तक, मैंने सोचा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को आप लोगों का कैसे चल रहा है, आप कुछ मतलब क्या स्पेशल कर रहे हैं मेरे लोगों, मेरे को आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा बहुत प्लांटिंग किया है, जो कि आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। देखिए आप यहाँ पे जो है ना इंडोर प्लांट जो है मैंने यहाँ पे पानी में ही सबको जो है रखा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को कब से अच्छा लग रहा था, मतलब कब से मन था कि मैं ऐसा जो है घर पे कुछ इंडोर प्लांटिंग करूं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरी गुड़िया यहाँ पर दौड़ दौड़ के हर जगह पे पानी स्प्रे कर रही है, ये पानी स्प्रे मैं अभी से जो है पानी स्प्रे कर रही हूँ, मतलब पहले नहीं करती थी ऐसे, पहले तो सिंपल मैं पानी डालती थी, पर मैंने देखा कि इंडोर प्लांट में और यहाँ पे जब पानी स्प्रे करती हूँ, ये ग्रीन कलर जो पीला पीला होता है ना, वो बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाती है और ऐसा सूख जाता है, तो यहाँ पे जो है स्प्रे करने के बाद बहुत फर्क। जैसे अभी जो है मैं करती हूँ यहाँ पर, देखिए खुशी कैसे कर रही है, खुशी बहुत आजकल मेरे को हेल्प कर रही है, मस्ती नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गाइज मैंने शोकेस के ऊपर भी उसके लिए पूरा बना दिया है, मैं बोली तू यहाँ पर ही खेलना, क्योंकि घर बहुत गंदा करती थी और अभी भी बहुत ही खुला करके वो फेंकी है अभी भी, क्योंकि जितने बार भी बच्चों को ठीक करके दो बस वो बच्चे गंदे ही कर देते, क्या करें। तो इसलिए बस अभी लंच के लिए मैंने बनाया है खिचड़ी और दही, क्योंकि मैंने कुछ भी जो है आज खाना मैंने नहीं बना पाई, घर की साफ सफाई करनी थी, और आज मैंने फाइनली मेरा जो किचन का रहा के वो मैंने साफ किया।
बाहर के लिए मैं कुछ करूं, DIY कुछ क्राफ्टिंग ये सब कुछ करूं ऐसा सोचा है, पर अभी तो कुछ भी नहीं प्लानिंग किया है, बस इतना ही किया है। और मैं सोची हूँ कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बनाकर, जो लाइट जल रहा है ना इस तरफ, तो यहाँ पर भी मैं कुछ करूं, पर देखती हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि अब अमित का भी छुट्टी भी नहीं है, तो सब भी जो भी करना है मेरे को भी करना पड़ेगा। यहाँ पर पेपर में मैंने एक ही बना के यहाँ पर डाला है, तो मेरे को कुछ अच्छा लगा, तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि यहाँ पे कुछ करूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, मतलब फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। बस मैंने ये टेम्पल का जो है लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, एक्चुअली इसका भी मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, पर मेरे को लगा कि अच्छा लगेगा, मैं शेयर करती हूँ मेरे व्यूअर्स के साथ तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बस जिस दिन दिवाली रहेगा ना उसके दिन मैं और थोड़ा सा भगवान को जो है डेकोरेट करूंगी, जो मूर्तियां हैं मेरे पास उसको भी रखूंगी, थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। बस मेरे को थोड़ा सा और भी आइडिया की जरूरत है, और आप लोगों के पास कुछ भी आइडियाज है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोग बताना मेरे को आप लोगों की डेकोरेशन, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है दिवाली में। आप लोगों को पता होगा हर सैटरडे बच्चों को जो है ड्राइंग सिखाते हैं, तो इसीलिए सैटरडे में मैं ये ड्रॉ किया था बच्चों सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट के लिए, आप लोगों से तैयार कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने एक प्लांट के लिए एक डेकोरेट करके रखा है यहाँ पर, आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। बताना मेरे को आपको कैसी लगी ये वाला जो मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर रखा है, उसको एक्चुअली मैंने एक्रेलिक कलर में पेंट करा है और यहाँ पर इसको रखा है, क्योंकि ये एक्चुअल अलग है, इसका जो ऊपर का है वो अलग है और नीचे का जो है वो मैंने यहाँ पे इसको कलर करके यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसका पानी लीकेज करेगा जब ये एसी के ऊपर, वो जो आउटडोर वो गंदा नहीं होगा बाहर के साइड में, इसीलिए मैंने जो है इसको ड्रॉ करके इसके ऊपर उसको डाला है। और इसको मैं आराम से कहीं पे भी लगा सकती हूँ, आप घर पे भी इसको इस तरह से बनाकर जो भी घर पे प्लांट लगाते हैं ना उसको अच्छे से आप रख सकते हैं। मेरे को कुछ ये बहुत ही अच्छा लगा, और घर पे मैं चाहती थी कुछ ऐसा डेकोरेट करके रखूँ, और मेरी खुशी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। बताना मेरे को आपको ये कैसी लगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और स्टे फेस्टिव एंड स्टे हैप्पी, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू सून।